तो फ्रेंड्स ये ऑर्डर मैंने मंगवाए थे एंड इन फाइनल इनको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। इंजन ऑयल जो कि ज़्यादा कम भी नहीं हुआ था, सिर्फ आधा लीटर कम हुआ था, लेकिन आधा लीटर भी बहुत होता है। बाइक का इंजन सीज हो जाएगा पता कितने पैसे लगते हैं, तो इसलिए मैंने डलवा लिया। एंड एग्जॉस्ट मेरे को काफ़ी महंगा पड़ गया निकालना, अभी चुपचाप करके घर में जाके एग्जॉस्ट लगवा लूँगा, बाढ़ में जाए यार ये एग्जॉस्ट आराम से बाइक। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? ऑफकोर्स सब बढ़िया ही होंगे। तो फ्रेंड्स बहुत दिन बाद फिर से आपका भाई एक छोटा सा व्लॉग रिकॉर्ड करता है, मतलब करेगा। एंड आज हमारी बाइक में ना पेट्रोल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, एंड हमने अपनी बाइक का एग्जॉस्ट भी निकाला हुआ है, तो शायद उससे ना और पेट्रोल ज़्यादा सूखने लगी है बाइक, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स हमारी बाइक का सच्ची बात बताऊँ ना, तो इंजन ऑयल काफ़ी कम हो गया है, तो आज हम जा रहे हैं कटरा इंजन ऑयल डलवाने प्लस इसका एग्जॉस्ट लगाने। अब आप सोच रहे हो एग्जॉस्ट क्यों लगाने, उसका एक रीज़न है ये यार, मेरे को लग रहा है इंजन ऑयल सारा ख़त्म हो चुका है इसका एग्जॉस्ट के साथ। तो फ्रेंड्स मेरे को लगता है इसका इंजन ऑयल काफ़ी ख़त्म हो गया है, तो हम बाइक में पेट्रोल भी डलाएंगे प्लस कटरा जाके ना इसमें इंजन ऑयल भी डलवाएंगे, क्योंकि यार मुझे डर है कि यार इंजन ऑयल ख़त्म हो गया है ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि यार ऐसे नॉर्मली दिखता है बट आज दिख ही नहीं रहा है। और हम इसको नॉर्मली चलाएंगे हो सके तो, एंड जब मैं पैदल से निकलता हूँ पता नहीं कितने लोग मुझे पीछे से गाली देते होंगे यार। अब आप सोचो कि तेरे को गाली देनी रह गई है, लेकिन यार मैंने गंद भी तो बहुत मचाया लग रहा है मेरे को। तो इस साइड काफ़ी गंद है, तो हम इधर से नहीं जाते हैं, गली से जाते हैं। तो अभी सबसे पहले पेट्रोल डलाएंगे बाकी में, फिर उसके बाद कटर जाके इसका इंजन ऑयल चेक करवाएंगे। अगर सच में इंजन ऑयल बर्न हुआ होगा तो भाई मैंने ना एग्जॉस्ट चुपचाप करके लगा लेना है, और एग्जॉस्ट जो मंगवाया है वो कैंसिल कर देना है। देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं, जो किस्मत में होगा। इंजन ऑयल हुआ, इंजन ऑयल पहले से अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भाई बस गेम ख़त्म। ये हाथ से ना बाइक छूट रही है पता है, दो ब्रेक और दबाने के बाद रेस दे रहे हो ना, जब तीन उंगलियों से छूट रही है बाइक यार। पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा इंजन ऑयल है इसमें कि नहीं। पहले पेट्रोल डलाते हैं बाइक में, फिर देखते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं। हे भगवान, जो हमने सोचा काश वो ना हो, ठीक ठाक हमारी बाइक हो और पेट्रोल इसमें कम ना हो। बात करो गैस बनी आती है, दिख लो सुधार दो इधर। किन्ने दो यार? 980। सारे जो भी आइकन आ रहे थे डिस्प्ले पे वो सब जा चुके हैं, इसका मतलब इंजन ऑयल बर्न हुआ होगा बट ज़्यादा नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स ये है पाटा, तो फ्रेंड्स सच बताओ इतनी ज़्यादा स्पीड में था कि मच्छर मर के मेरे डिस्प्ले पे चिपक चुका है, मतलब फोन की डिस्प्ले पे नहीं, इसकी डिस्प्ले पे, हेलमेट की डिस्प्ले, जो भी है यार हेलमेट का वो। तो फ्रेंड्स लीन ज़्यादा बच जाता है कभी कभी, क्या कर सकते हैं। लोगों से भी गाड़ियाँ चलती नहीं है, बहन चोद अपनी साइड चलाओ कम से कम यार, अपनी साइड चलाओ। बाइक वाले जा सकते हैं दूसरी साइड, आप अपनी साइड चलाओ। रुकने के बाद मेरी गलती निकलेगी क्योंकि मैं ही गलत होता हूँ हमेशा हमेशा, हर गलती में मेरी गलती निकलती है। हे
भगवान दो वरदान पर लिखकर बने महान, करे हमेशा अच्छा काम, देश का करे ऊंचा नाम, और क्या करें हम। तो गाइस ये है वो दुकान जहाँ से हम इंजन ऑयल डलवाएंगे या पूछेंगे ख़त्म हो गया कि बचा। लेट्स सी ये बंदा क्या कहता है। तो फ्रेंड्स गाइस यहाँ पे इंजन ऑयल ठंडा होगा एंड हम ठंडे। एंड गाइस ये स्टिकर लगाया मैंने यार आधे गलत लग गए थे, वो मैंने फिर निकाल ही दिए, अब इसके लिए एक और मंगवाएंगे। चलो छोड़ो वो बाद की बात है। तो गाइस स्कैम हो चुका है यार, एग्जॉस्ट मेरे को काफ़ी महंगा पड़ गया निकालना। अभी चुपचाप करके घर में जाके एग्जॉस्ट लगवा लूँगा। बाड़ में जाए यार ये एग्जॉस्ट आराम से बाइक कर लेनी है एंड एग्जॉस्ट लगवा लेंगे। वो जो डब्बा है वो मुझे 1400-1350 का कह रहे हैं, ये बेफालतू के पैसे देने पड़ रहे हैं। अभी महीने पहले सर्विस कराई थी, साला एग्जॉस्ट नहीं निकालने का। इस जो मर्जी हो जाए, मर जाऊँ अब मैं एग्जॉस्ट नहीं निकालूंगा, चुपचाप करके एग्जॉस्ट लगाएंगे एंड आराम से बाइक चलाएंगे। 1300 रुपये बेफालतू के पे करने पड़ रहे हैं। 1350 गाइस, प्रिंट रेट भी चेक कर लो आप। तो फ्रेंड्स ये ऑर्डर मैंने मंगवाए थे एंड इन फाइनल इनको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। क्या करूँ यार, स्कैम हो गया मेरे साथ, 1300 रुपये बेफालतू का लग गया। एंड गाइस ये डाल रहे हम अपनी बाइक में इंजन ऑयल, जो कि ज़्यादा कम भी नहीं हुआ था, सिर्फ आधा लीटर कम हुआ था, लेकिन आधा लीटर भी बहुत होता है। बाइक का इंजन सीज हो जाएगा पता कितने पैसे लगते हैं, तो इसलिए मैंने डलवा लिया। एंड इसके बाद मैं कभी भी इसका स्टॉक एग्जॉस्ट नहीं निकालूंगा, लोग निकालते हैं निकालने दो। हाँ रहने देते हैं, स्टिकर लगाने सोच रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स आपने शायद रिएक्शन नहीं देखा होगा, लेकिन फ्रेंड्स धमाकेदार रिएक्शन आ रहा है। तो फ्रेंड्स हमको ना आराम से चलानी चाहिए बाइक, अभी इंजन ऑयल डलाया अभी बर्न करने लग जाऊंगा, गलत हो जाएगा ये सीन, पर क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे गोप्रो की बैटरी भी 26% है एंड हम ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, और एक ही बैटरी लेके आया हूँ मैं अभी। तो ब्रेक रेस एक्सलेटर है, आपको टाइमिंग को दबाना है अगर बाइक चलाते हो आप, तो सेकंड्स की गेम है गाइस, सेकंड्स की गेम, सेकंड्स की गेम हो जाएगी, पता नहीं चलेगा कहाँ रेस देनी है, कहाँ क्लच दबाना है, क्लास कुछ करना है। पता है हाथ से ना बाइक छूटने लग जाती है। पता नहीं फ्रेंड्स आपने रिएक्शन देखा कि नहीं देखा, लेकिन चलो जो भी था छोड़ो। तो गाइस सच में अब इसके बाद मैं कभी भी आवाज़ सुना नहीं पाऊंगा आपको। थोड़ा सा इंजन ऑयल अगर फिर से बर्न होता तो आपके लिए इतना भी कर सकते हैं हम एंड खुद के लिए भी यार, बट इसके बाद सॉरी फॉर दैट फॉर सॉरी। पता नहीं यार आपको ये बात कैसी सुनाई देती होगी, बस कसम से हो रहा हूँ गाइस खतरनाक आवाज है यार, फिर वो सुकून मिलता है आवाज से यार। तो फ्रेंड्स मेरे को आरसी पूछनी अपनी बाइक की आई है कि नहीं, लेट्स। भैया आरसी आई है बाइक की? क्या नाम? राहुल सिंह। कह रहे हैं सांबा से भेजोगे 9 फरवरी की, कह रहे हैं पता नहीं कब चाहिए।
आ गई है फोन नंबर ही नहीं भैया यार, उधर दिया था मैंने, थैंक यू भैया यार, साइन भी करने। अच्छा आप पोस्ट ऑफिस शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ कहाँ पे? रेलवे पुल है ना ये नीचे? ये रेलवे हाँ हाँ थोड़ा सा ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे ही है ऊपर इस साइड में ऊपर वहाँ तो घर है मेरा भैया, वहाँ तो मेरे को पास पड़ेगा, मतलब कोई पूछे भी तो बताते रहने। ठीक है भैया कोई बात नहीं, ये जो पोस्ट ऑफिस है ये यहाँ से उठा दिया, मतलब चेंज हो चुका है दूसरी जगह पे, और वो जो रेलवे पुल है इससे थोड़ा सा ऊपर कह रहे थे, और बाकी मेरे को प्रॉपर जगह नहीं पता है, लेकिन चलो कोई ना कभी कुछ आएगा तो बता दूंगा मैं। हमारे घर के पास है वैसे वो जगह, तो गाइस यहाँ से पोस्ट ऑफिस एक्सचेंज हो चुका है, मतलब पिक हो चुका है यहाँ से। तो गाइस यहाँ से चलते हैं घर, तो गाइस मौत का खेल खेलता हूँ मैं अपने बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। हमारी ड्यूक 390 एंड गाइस बैटरी 1% बची है, पीछे वैष्णो देवी आपको पता ही है। तो फ्रेंड्स ये हमारी बाइक का एग्जॉस्ट जो कि मैं लगाने वाला हूँ अभी। तो गाइस जो भी इस ब्लॉग को देख रहा था थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।